जरा सोचो, तुम 3 महीने बाद तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट आ रहा होगा, उसमें तुम्हारे 50% 60% मार्क्स आ रहे होंगे। इतनी कम परसेंटेज पर ना तो तुम्हारे पेरेंट्स खुश होने वाले हैं और ना ही तुम्हें कोई अच्छा स्कूल कॉलेज मिलने वाला। और तुम देखोगे ना, तुम्हारे साथ के बच्चे, तुम्हारे दोस्त तुमसे तगड़ी परसेंटेज लेके आ रहे होंगे एक अच्छे स्कूल और कॉलेज में, वो एकदम बेहतरीन लाइफ स्टाइल में जी रहे होंगे। फील करो उस मोमेंट को, तब बताओ तुम्हें कैसा लगेगा। और उस टाइम तुम सोचोगे कि अगर मैं टाइम रहते पढ़ लेता ना, तो आज मैं भी खुश हो रहा होता और मेरे पेरेंट्स भी प्राउड कर रहे होते। ये बोर्ड एग्जाम तुम्हारी लाइफ का सबसे इजी एग्जाम होगा, मैं लिख कर देता हूँ। बस तुम्हें अब जितने भी दिन बचे हैं ना, 10 दिन 15 दिन 5 दिन, उसमें अच्छे से रगड़ो बस, मतलब अच्छे से स्टडी करो। कैसे पढ़ना है वीडियो में आगे पता चल जाएगा। आज कोई मैं तुम्हें इंट्रो नहीं देने वाला अपना, एज ए बड़ा भाई आज मैं तुमसे ऑनेस्ट टॉक करने आया हूँ। तो सबसे पहले मुझे बस एक क्वेश्चन का जवाब दो, पढ़ाई तुमसे हो क्यों नहीं रही? ऐसा क्या रीजन है? तुम्हारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, या तुम्हारे स्कूल में तुम्हें पढ़ाया नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स ने वैसे ही फीस दी है तुम्हारे स्कूल की? मुझे बस रीजन बताओ क्यों नहीं पढ़ रहे तुम, कमेंट सेक्शन में बताओ जरा, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या काम है यार जिसकी वजह से तुम पढ़ नहीं रहे। इंस्टाग्राम पर इतने सारे मैसेज आते हैं, सब में कुछ ना कुछ, भैया पढ़ने का मन नहीं कर रहा, भैया कैसे पढ़ूं, पढ़ता हूं तो नींद आती है, घर वाले मुझे सुनाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बहाने लेकर आते हो। तो बस आज मुझे पहले रीजन बता दो क्या रीजन है, उसके बाद ही वीडियो में आगे बताऊंगा तुम्हें करना क्या है। कर दिया कमेंट, तो ठीक है चलो अब बताता हूँ। तुम्हें रीजन पता हो ना पता हो, पर मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या रीजन है। तुम्हारा काम पता है क्या है? तुम जाते हो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर रील देखते हो, उन रील में पता क्या देखते हो कि पढ़ाई लिखाई करने से बस नौकर बनते हैं। पर नहीं, तुम्हें तो राजा बनना है, इसीलिए पढ़ने का क्या जरूरत है? ऐसा ही है ना, बोलते रहते हैं लोग पढ़ाई से क्या होता है, कुछ नहीं होता, बड़े बड़े बिजनेसमैन कुछ भी पढ़े लिखे नहीं होते, धीरूभाई अंबानी का एग्जांपल है तुम्हारे पास। पर एक बात बता दूं बाबू, मैं किसी भी चीज का मालिक बनने से पहले ना, तुम्हें उस चीज के बारे में नौकर बन के ही काम किया जाता है, समझे? मैंने कहा था कि तुम स्टडी से तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ दोगे, उखाड़ने को उखाड़ भी सकते हो अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो। तो वीडियो के मेन मोटिव पर आता हूँ। बहुत सारे महाज्ञानी बाबा उठकर आ जाते हैं, ये साइन थीटा कोस थीटा ये सब कहाँ यूज होते हैं हमारी लाइफ? हाँ मैं मानता हूँ नहीं होते यूज, यूज होते हैं जब तुम हायर स्टडी के लिए जाते हो, समझे, इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तब। इस वीडियो में तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ तुम्हारा इस टाइम पढ़ना क्यों जरूरी है। अगर तुम्हारे पास इस टाइम ना तो कोई गोल है और ना कोई ड्रीम, ना ऐसा कोई तुम्हारे अंदर टैलेंट है कि तुम बगैर स्टडी के बहुत कुछ उखाड़ सकते हो, तो चुपचाप पढ़ाई स्टार्ट कर दो बस। ये चीज तुम्हें अब समझ नहीं आएगी, ये चीज तुम्हें बाद में समझ आने वाली है कि अगर तुम मेहनत करना सीख गए ना, तो तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ उगाड़ सकते हो। इस टाइम की मेहनत तुम्हें आगे आने वाले किसी भी फील्ड में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि ये तुम्हारी एक हैबिट बन जाएगी। मेन गोल तुम्हारा परसेंटेज लाना नहीं, हार्ड वर्क करना होना चाहिए। पर तुम्हें क्या है, तुम्हें बस बहाने बनाने हैं, प्रॉब्लम्स को देखना है। अबे प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी, दिमाग अपना ऐसा बनाओ कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। 3-4 घंटा लगातार नहीं बैठ सकते तो बैठो, जबरदस्ती बैठो, अपने लिमिट्स को पुश करो। तुम्हारे घर के तुम्हें उल्टा सीधा बोलते हैं ये तो नालायक है, ये बहुत ही बेकार है, घर का सबसे फालतू आदमी है, तो इन बातों को एक्सेप्ट करो। तुमने कुछ ना कुछ तो ऐसा काम किया होगा जिस वजह से वो बोल रहे हैं, और वो तुम्हें पता ऐसा इसलिए बोलते हैं ताकि तुम उनकी बातों से नाराज हो, और नाराज होने की वजह से तुम्हारे अंदर आग लगे। आग लगे किसकी? पढ़ने वाली। और तुम पढ़ो, उन्हें गलत साबित करो, मेन मोटिव ये है उनका। और तुम क्या, तुम गलत सोच ले जाते हो कि ये मेरे बारे में इतना बुरा बोलते हैं। तो चीजों को समझो, प्रॉब्लम्स को मत देखो, उनके सॉल्यूशंस को देखो। अब इमेजिन करो कि तुम बहुत ही तगड़ी परसेंटेज लेकर आ गए हो बोर्ड एग्जाम में, जो लोग तुम्हें आज बुरा बोल रहे हैं ना, कल वो ही तुम्हारी तारीफ करेंगे कि ये तो हमारा बच्चा है, ये ऐसे है, वो से, मतलब अपनी तारीफ करे जाएंगे कि हमारी वजह से है ऐसा। तो बस जो तुम्हारी हार के लिए बैठे हैं ना, ये निकम्मा है, और उन्हें साबित करना है कि ये निकम्मा ही है, उनको तुम्हें गलत साबित करना है। अपने आप को एक चैलेंज दे दो कि हाँ, जितने दिन मेरे पास बच रहे हैं ना, इन दिनों में मैं इतना पढ़ूंगा कि कोई माई का लाल मुझे नहीं रोक सकता। एटीट्यूड चेंज कर दो अपना बिल्कुल, जहाँ तुम सबसे ज्यादा बकवास किया करते थे ना, अब चुप रहना शुरू कर दो। कोई तुमसे बोलता है ना कि अब तो टाइम नहीं बचा है, ये नहीं बचा है, मैं कहता हूँ तुम्हारे पास अब भी टाइम है। अगर तुम अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो तुम एक अच्छी खासी परसेंटेज बोर्ड एग्जाम में लेकर आ रहे होगे। तो एक और बात है, हाँ, डिस्ट्रैक्शंस की बात बहुत करते हैं बच्चे, और मुझे भी पता है तुम भी ऐसा ही करते होगे, ये भी तुम्हारे मन में आता होगा। इसका सॉल्यूशन बताऊं क्या है? जला दो अपने डिस्ट्रैक्शंस को, कोई भी तुम्हारे पास हो। इंस्टाग्राम पर रील देखने की गंदी आदत लगी पड़ी है ना, तो इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दो, कहीं नहीं जा रहा इंस्टाग्राम। पेपर के बाद खूब चलाना, खूब रील्स देखना, पर अगर तुम्हें वहां से स्टडी से रिलेटेड हेल्प मिल रही है तो मत करो। ऐसे अकाउंट को अनफॉलो कर दो जिनसे तुम्हें कोई भी स्टडी से रिलेटेड हेल्प नहीं मिल रही। और हाँ, ये स्नैपचैट, स्नैपचैट में क्या है ऐसा, सबको स्ट्रिक बनानी है। स्ट्रिक क्या है यार,
क्या मिल रहा है उससे, तो इसे भी अनइंस्टॉल कर देना। और YouTube पर भी ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करो जिनसे तुम अच्छे से पढ़ सको। तो डिस्ट्रैक्शंस के लिए आई बात समझ, खत्म कर दो सारी चीजें। तो यहाँ तक तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो लगने दो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ऐसे ही बोलूंगा। क्योंकि महाभारत में भी जब अर्जुन युद्ध के लिए मना कर रहे थे और पहले से पहले ही डर रहे थे कि मैं कैसे लड़ सकता हूँ, ऐसा ही हाल तुम्हारा है इस टाइम। देखो मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, तुम बोर्ड एग्जाम को फोड़ के आ रहे होगे बहुत ही आराम से, और तुम्हें भी लगेगा क्योंकि तुम पढ़ नहीं रहे हो। पढ़ो, जैसे जैसे तुम अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाओगे ना, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, दो चैप्टर कंप्लीट हुए, तीन हुए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब एक बात बताओ, अर्जुन युद्ध लड़ते या नहीं लड़ते, युद्ध रुकता तो नहीं? इसीलिए श्री कृष्ण जी ने उन्हें यही समझाया था कि तुम्हें किसी भी चीज की परवाह किए बगैर इस युद्ध को लड़ना चाहिए। ऐसा ही तुम्हारी स्टडी पर फॉलो होता है, तुम्हारा एग्जाम तो होगा ही होगा, बोर्ड एग्जाम। अब तुम उसे रो कर दो, हंस कर दो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो क्यों ना हम उस बोर्ड एग्जाम को बहुत ही तगड़े तरीके से फोड़ के आए। ये वीडियो तुम्हारे लिए एक फ्यूल की तरह है। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ मत करो, कॉपी पेन लो, अगले 15 दिन 10 दिन जिन्हें भी दिन तुम्हारे बच रहे हैं सबका शेड्यूल बना दो। कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है, कितनी देर में कंप्लीट करना है, कहां से पढ़ना है, सब कुछ। यूट्यूब पर इतना सारा कंटेंट पड़ा है ना कि तुम्हारे 4-5 साल लग जाएंगे अगर तुमने सारा कंटेंट देख मारा तो। इतने सारे क्रिएटर हैं और सबके सब अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं बेस्ट दे रहे अपना? उनसे पढ़ो, जो तुम्हें अच्छे लगते हैं उन टीचर से पढ़ो। और अगर शेड्यूल वगैरह 15 दिन का चाहिए तो मैंने ये वाली वीडियो अपलोड कर रखी है, इस वाली वीडियो को जाके देख लेना 10th क्लास में हो तो। कभी भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, रात में देख रहे हो, दिन में देख रहे हो, उसके बाद कॉपी पेन लेकर बैठ ही जाओ। और एक सीक्रेट बताऊं, ये बोनस टिप है, लिख के ले लेना अगर इससे बाहर तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारा कोई क्वेश्चन आ जाए। और ये बोनस टिप मैं बताऊं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम अभी तक इस वीडियो पर टिके हुए हो और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अब तक छोड़कर भाग गए होंगे, उनका कुछ होने वाला ही नहीं है। तो मेरी जान बोनस टिप ये है कि तुम्हें बस एनसीईआरटी करनी है और लास्ट 10 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज है ना उन्हें सॉल्व कर लो। अगर तुम बोर्ड एग्जाम में इतना कर लेते हो ना तो तुम्हारी 90+ कहीं नहीं गई। और ये मैं कोई ऐसे वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये टॉपर्स ने बताया है और मैं जो खुद अपने स्कूल का टॉपर रह चुका हूँ, मैंने भी बस यही किया था। तो डरना तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है, जितना कुछ मैंने तुम्हें समझाया है ना बस उसको अच्छे से ध्यान में रखो और मेहनत करो। बस लाइफ को बस काटो मत, इसे एकदम मजेदार तरीके से जियो। अगले कुछ दिन का चैलेंज दो अपने आप को, पढ़ो तगड़े से, बहुत ही ज्यादा, इतना पढ़ो कि आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं पढ़े हो। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती हो तो मैं हूं ना, मेरे से बात करो, मुझसे बताओ, कमेंट सेक्शन ऑन है, इंस्टाग्राम पर तुम मुझसे बात कर सकते हो। तो आई होप यार तुम्हें ये ऑनेस्ट टॉक वाली वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही हो, और अगर रही है तो अभी कमेंट करो हाँ भैया आई एम रेडी, मैं एग्जाम को फोड़ने वाला हूँ। कमेंट सेक्शन अभी भर दो, देखते हैं मेरे साथ साथ कौन कौन रेडी होने वाला है इस चैलेंज के लिए। और अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो मेरे छोटे भाई और बहन, तुम एग्जाम को फोड़ोगे, बस ये काम कर लेना मैंने जो तुम्हें बताया है इस वीडियो में। और कोई स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, इन वीडियोस को देख लेना, ये भी तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो फिर जाओ, फिर अच्छे से पढ़ो। आई एम ऑलवेज विद यू, कीप लर्निंग, कीप स्टडीइंग।